पंजाब में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एक तरफ संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में किसानों ने भीषण गर्मी में मोहाली में पक्का मोर्चा लगा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास किसानों से मिलने का वक्त नहीं है। लेकिन दिल्ली जाकर आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल से मिलने का ढेर सारा वक्त है। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने मोहाली से चंडीगढ़ की तरफ कूच किया। उन्होंने मोहाली पुलिस का पहला बैरिकेड तोड़ दिया। फिर किसानों ने आप सरकार को चेतावनी दी कि कल सुबह तक उनकी मांगे मान लें, अन्यथा वो सुबह चंडीगढ़ कूच करेंगे। किसानों का कहना है कि अगर पंजाब सरकार ने उनकी बातें नहीं सुनी तो वो फिर कोई बैरिकेड नहीं छोड़ेंगे, चाहे पानी की बौछार पड़े या फिर डंडे, वो बिना डरे आगे बढ़ेंगे। वहीं पंजाब सीएम भगवंत मान दिल्ली पहुंच गए और वहां उनकी अरविंद केजरीवाल से उनके घर पर मुलाकात हुई, जबकि किसान उनसे मीटिंग के लिए चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों को सुबह 11 बजे बुलाया गया था, लेकिन उनसे मीटिंग नहीं की गई और उन्हें धोखा देते हुए मान दिल्ली कूच कर गए। इस पर आप सरकार ने सफाई दी है कि सीएम भगवंत मान का कार्यक्रम पहले से तय था, इस वजह से उनकी किसानों से मीटिंग नहीं हो सकी। लेकिन सवाल उठता है कि अगर भगवंत मान का कार्यक्रम पहले से तय था तो किसानों को सुबह 11 बजे बुलाया ही क्यों गया था? गौरतलब है कि पंजाब में मान सरकार कई चुनौतियों से जूझ रही है। सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का है। पंजाब में हो रहे कत्ल, किसानों की खुदकुशी, ड्रग्स ओवरडोज से मौतों पर विरोधी उन्हें घेर रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के ज्यादातर चुनावी वादों पर अभी तक सिर्फ ऐलान ही हुआ है। सरकार बने भले ही 2 महीने बीते हों, लेकिन अकाली दल, कांग्रेस और भाजपा ने मोर्चा खोला हुआ है। विरोधियों से निपटने के लिए अब दिल्ली में कोई रणनीति बन सकती है। मान सरकार में अभी कैबिनेट विस्तार भी होना है। पंजाब सरकार में मुख्यमंत्री सहित 18 मंत्री बन सकते हैं, हालांकि अभी सिर्फ 11 ही मंत्री बने हैं। ऐसे में अभी 7 मंत्रियों की जगह बाकी है। कई अहम विभाग अभी सीएम ने अपने पास रखे हैं। ऐसे में केजरीवाल और सीएम मान के बीच इस संबंध में भी चर्चा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।